नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं, इसके बाद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी मरांडी रहेंगे, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार रहेंगे, मैं रहूंगा, लोकसभा चतरा क्षेत्र के प्रभारी रहेंगे। 6 जिला, हजारीबाग लोकसभा में 3 जिला, चतरा लोकसभा में 3 जिला, 6 जिला के सारे संगठन के लोग रहेंगे। सिमरिया में मुरवे कटिया जगह है, सिमरिया से जब आप टंडवा की ओर जाएंगे तो 3 किलोमीटर पर लेफ्ट साइड में वो स्थल है जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। चतरा लोकसभा क्षेत्र के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री देश के, जिन्होंने गरीब गुरबों सामान्य वर्गों के लिए रात दिन अथक मेहनत करके 140 करोड़ जनता की चिंता कर रहे हैं, उनको सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, इतना संख्या में पधारें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आश्चर्यचकित हो जाएं कि इतनी संख्या में लोग चतरा क्षेत्रवासी, हजारीबाग क्षेत्रवासी आए हैं सुनने के लिए। मैं लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, सारे महिलाओं से, पुरुषों से, युवा वर्गों से, सभी वर्गों से, किसान से, मजदूर से, सभी वर्गों से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय मोदी जी जो 11 तारीख को आ रहे हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और उनके भविष्य की कार्य योजना और वर्तमान के जो परिस्थितियों पर वो उनका उत्साहवर्धक भाषण सुने। देश की आज़ादी के बाद पहली बार कोई चतरा लोकसभा क्षेत्र का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, इतना स्नेह मुझे मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है, महिलाएं निकल करके आशीर्वाद दे रही। एक तो नरेंद्र भाई मोदी का तो पूरे देश में क्रेज है ना, और उसके बाद मैं स्थानीय उम्मीदवार हूँ, बहुत लाभ मिल रहा है, इतना उत्साह मेरा बढ़ा दे रहे हैं कि जो हमारी स्टेमिना बढ़ जा रही है, इतना स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे एक तो परिचित सभी लोग हैं, दूसरा बात कहते हैं अरे मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, फिर हमको कहने कहाँ जरूरत है, बहुत उत्साह मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है।